हेलो दोस्तों, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका एक्सरसाइज 14.4 का पेज नंबर 293 पे क्वेश्चन नंबर 1 है, जो द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। अब देखिए क्या है यहाँ पर, जो हमको डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है 50 लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है एक फैक्ट्री का, जिनकी डेली इनकम 100 से 120 रुपये हैं, वो हैं 12 लोग, 120 से 40 के बीच हैं 14 लोग, 140 से 160 के बीच हैं 8 लोग, 160 से 180 के बीच हैं 6 लोग और 180 से 200 के बीच हैं 10 लोग। अब इसमें हमको देखो करना क्या है, जो उसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो है कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबव टू ए लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओगिव। अब देखो ओगिव बनाना है हमको लेस देन टाइप का, ओके। तो लेस देन टाइप का ओगिव बनाने के लिए देखो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी होती है। फ्रीक्वेंसी तो आपको गिवन है ही, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 12 इसको ऐड कर लेते हैं, 26 हो रही 34, ये हो गया आपका 42 और ये हो गया आपका 52। गलत हो रहा है, 26 34 एंड 6 इट इज़ 40 एंड इट इज़ 50, ओके। अब देखिए इस वाले कॉलम को अभी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, अब आपको बनाना है लेस देन टाइप ओगिव। लेस देन टाइप ओगिव का मतलब है कि हमको ये देखना है कि 100 से कम या 120 से कम, 100 से कम तो देखिए हम कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे इसमें, हम 120 से कम ही कैलकुलेट कर पाएंगे, मतलब 120 जो हमारी जो ये इंटरवल है 120 से लेस देन कितने वर्कर्स हैं, 140 से नीचे कितने लोग हैं, 160 से नीचे कितने लोग हैं, 180 से नीचे कितने लोग हैं, 200 से नीचे कितने लोग हैं। इसके लिए देखिए सबसे बेटर क्या होगा, एग्ज़ाम में अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या कर लें, आप उनसे चार्ट की डिमांड कर लीजिएगा एग्ज़ाम हॉल में, तो वो आपको चार्ट प्रोवाइड करूँगा, चार्ट पे ये बेटर बन पाएगा, ओके। हम यहाँ पे बिना चार्ट के ही कर रहे हैं। देखिए आपको क्या करना है, एक ग्राफ प्लॉट करना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे जो होंगी वो होंगी आपकी अपर लिमिट्स, ये ध्यान रखना है आपने लेस देन टाइप ओगिव में, अपर लिमिट्स। अपर लिमिट्स देखिए हमारे पास क्या है, 120 140 160 180 और 200। हमको बाद में 100 की भी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हम यहाँ पर 100 भी लिख रहे हैं, ओके। 100, 120, 140, 160, 180 एंड 200, ओके। ये हो गया हमारा सर, हमने ये अभी हम अपर लिमिट्स यूज करेंगे, बाद में हम लोअर लिमिट्स भी यूज करेंगे। जो हमको क्वेश्चन में जो जो पूछा हुआ है वो लेस देन टाइप है, लेकिन हम यहाँ पर ग्रेटर देन के टाइप के भी बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी हम लेस देन टाइप वाला डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर है 100, 120, 140, 160, 180 और 200। अब हमको चाहिए लेस देन टाइप का, मतलब लेस देन 120, इसका मतलब जो ये 100 वाला जो फिगर है ये हमको छोड़ देना है। अब जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखो 12 से लेकर लगभग 50 तक है, तो हम यहाँ पर 10 से शुरू कर लेते हैं, 10 ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40 एंड 50 ले लेते हैं, ऑलराइट। अब देखिए लेस देन 120 पे हमारे पास कितने लोग हैं, 12, तो लेस देन 120 पे इस पे आ जाएगा हमारा लगभग यहाँ पर वो आएगा 12, ओके। फिर हमारा 26, 140 के लिए हमारा 26 है लेस देन 140 पे, 26 लगभग हमारा यहाँ पर आ जाएगा ये 26, ओके। फिर है हमारा लेस देन 160 में हमारे पास 34 है, 34 देख लेते हैं, ये आ गया हमारा 34। फिर है 40, 180 पे 40, ये आ गया 40 और ये हमारा 50, 200 पे, ओके। इन सबको कनेक्ट कर लीजिए तो ये हमारा लेस देन जो ओगिव है वो बिल्कुल रेडी है, ओके। पांच ही हमारे पास वैल्यूज थी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, ऑलराइट। ये तो हो गया हमारा लेस देन ओगिव, इस ओगिव को आप बोल सकते हो लेस देन ओगिव, ओके। अब देखिए क्वेश्चन में हमको यही पूछा हुआ, हमको इतना ही ड्रॉ करना था, लेकिन अब हम ग्रेटर देन वाले को भी डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेटर देन वाला देखो आपको कैसे बनाना है, यहाँ पर आपको जो हमने यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है सी एफ, हमने इसको फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए हमने ये माना कि सी एफ रिवर्स। रिवर्स में देखो आपको क्या यूज करना है, जो आपका 100 से लेके 120 है। अब देखिए इसमें हमने अब जो हम ओगी बनाने वाले हैं वो है ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन मतलब ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 120, ग्रेटर देन 140, 160 एंड 180। अब आपको जो ये मैक्सिमम जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था जो टोटल वर्कर्स का, वहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये 50 लोग थे हमारे पास, अब देखिए अब हमने
जब हम रिवर्स में जा रहे हैं तो हमको लेस करना है, पहले हम ऐड करते थे, अब देखिए 15 में से हमको 12 लेस करेंगे हम, तो कितना हो गया 38 में से 14 लेस करेंगे हम 24 में से 18 हम लेस करेंगे 16 में से 6 हम लेस करेंगे तो 10। ओके, अब देखिए ये वैल्यूज वैसी रहने वाली हैं, अभी हमने अपर लिमिट्स लिखा है, अब हम इनको लोअर लिमिट्स के फॉर्म में यूज करेंगे। अपर लिमिट्स स्लैस करके लिख रहा हूँ अब मैं इसको, लोअर लिमिट्स, ऑलराइट, लोअर लिमिट्स हो गया। अब देखिए मोर देन 100 पे कितने लोग हैं हमारे पास, 50, मोर देन 100 पे हमारे पास हो गए 50 लोग, ठीक है। फिर है 38, 120 पे, 120 पे ले लेते हैं हम 38, ओके 140 पे है हमारे पास 24, ये हो गया हमारे पास 24, 160 पे है हमारे पास, मोर देन 160 पे है आपके पास 16, ये हो गया आपका 16, एंड एट लास्ट वी हैव 10। ये हमारे पास आ गई पांच वैल्यूज, 1, 2, 3, 4 एंड 5, इनको भी कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए फिर से हमारे पास ये हो गया हमारा मोर देन ओगिव। जब भी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो जो ये हमारे पास जो एक ये पॉइंट आ रहा है यहाँ पर बीच में, जो जहाँ पर कि दोनों लाइन बाइसेक्ट हो रही हैं, ये पॉइंट हमारा बेसिकली होता है जो वो है मीडियन पॉइंट। मतलब ये अगर आप एग्जैक्टली अगर ग्राफ पेपर पे आप बना रहे हैं तो ग्राफ पेपर पे आप इसको कैलकुलेट करके इस वैल्यू को देख के आप ये पता कर सकते हैं कि आपका जो ये पूरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मीडियन क्या है, ठीक है। तो ओगिव बनाने का जो बेसिक जो पर्पज़ है वो यही है कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम मीडियन कैलकुलेट कर लें। ओके, तो अगर एग्जाम में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको मीडियन कैलकुलेट करना है तो आप इसी का यूज़ करेंगे, ओगिव का ही यूज़ करेंगे। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपका लेस देन ओगिव है या मोर देन ओगिव है। तो लेस देन ओगिव में आपको 120 से लेस देन जब हम जा रहे हैं तो 120 से नीचे, मतलब जो आपके अपर लिमिट से उनसे नीचे, और जब हम मोर देन की बात कर रहे हैं तो लोअर लिमिट से ऊपर, मतलब 100 से ऊपर, 120 से ऊपर, 40 से ऊपर, 60 से ऊपर और 180 से ऊपर। देखिए लास्ट यहाँ फाइनल वैल्यू हमारे पास 180 है, 200 हो नहीं सकती है क्योंकि 200 हमारे हमारी अपर लिमिट है, तो वो लेस देन में यूज होंगी और जो लोअर लिमिट्स हैं वो मोर देन में यूज होंगी। तो ये आपको खासा ध्यान रखना है। ओके,